Hello kids, how are you all? So I welcome you all back to the class of General Knowledge Part 1. And today we are here with a new topic, a new chapter, which is, yes, fruitlet. So let's study today. Number 7, it's fruitlet. Alright kids, fruits are important for our life. Fruits hamari life ke liye bahut important hai. It is nature's gift to us. Fruits हमारे लिए nature यानी कि प्रकृति का दिया हुआ ही एक बहुत अच्छा gift है, right? We love to eat fruits because they are delicious and healthy. तो kids, fruits काफी juicy और sweet और कभी कभी खट्टे होते हैं जिसकी वजह से हम सभी को fruits खाना बहुत पसंद है, right kids? So, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें हम डिफरेंट फ्रूट्स के नेम्स हेल्प लिस्ट में से देखकर लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ए, चेक द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स इन द गिवन स्पेस यूजिंग द हेल्प लिस्ट। सो किड्स, हेल्प लिस्ट की हेल्प से हमें इन फ्रूट्स के नेम्स यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 इज, यस, ये है कस्टर्ड एप्पल, और इसको भी हम कहते हैं हिंदी में सीताफल। यस किड्स। एंड नंबर 2 इज कीवी। कीवी एक बर्ड का भी नाम है, तो लेट्स ट्राई, के आई डब्ल्यू आई, इट्स अ कीवी। यस। नंबर 3 पे है, इट्स अ सैपोडिला। नाउ व्हाट इज सैपोडिला? Well, सैपोडिला यानी कि चीकू, जिसको आप खाते हो ब्राउन कलर का, राउंड सा, गोल सा। यस, इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी लाइक ऐसा होता है खाने में, बहुत टेस्टी सा होता है ये। इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ सैपोडिला। सो लेट्स ट्राई, यस, इट्स अ सैपोडिला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चीकू। यस। नंबर 4, यस, ये है एक समर फ्रूट जो हम सभी को बहुत पसंद है। इट इज अ वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। यस किड्स। सो वी विल राइट अ वाटरमेलन। नेक्स्ट इज, यस, ये है पाइन एप्पल। ना पाइन है ना एप्पल है, फिर भी पाइन एप्पल है। सो दिस इज अ पाइन एप्पल। इसे हम हिंदी में कहते हैं अनानास। ये काफी जूसी होता है, प्लस किड्स ये काफी खट्टा भी होता है। सो इसका हम जूस भी पीते हैं और शेक भी पीते हैं। सो दिस इज PINEAPPLE, पाइन एप्पल, राइट किड्स? सो नेक्स्ट है, यस, ये है पीच। पीच यानी कि आड़ू। आड़ू खट्टे और मीठे दोनों तरह के होते हैं। ये बाहर से काफी वेलवेट टच वाले होते हैं और ये लाइट ऑरेंज कलर के होते हैं। सो लेट्स राइट पीच। पीच यानी कि आड़ू। नंबर 7, प्लम यानी कि बुखारा। यस, आलू बुखारा, जिसको हम प्लम कहते हैं। PLUM, प्लम। यस। नंबर 8, इट्स अ, यस, ये है खरबूजा। यस, इसके अंदर खूब सारे बीज होते हैं, ये बहुत स्वीट होता है। इसे हम यूजुअली गर्मियों में खाते हैं। So it is a musk melon. Yes, ये भी एक melon है और इसका नाम है musk melon. Right kids? So with this, हमारा ये exercise होता है complete. And next is, let me answer. Do you know that sapodilla is also known as sapota, chiku, chiko and maizeberry? Well kids, sapodilla यानी कि chiku के अलग अलग बहुत सारे नाम है, जैसे कि सपोटा, चीकू एंड चीको और नेसबेरी, राइट किड्स? चलिए नेक्स्ट इज इन्फो बिट्स, यानी कि ज्ञान की बात। यस, इट इज। नंबर 1, मैंगो इज नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। क्या आप जानते हैं बच्चों कि मैंगो को जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही फलों का राजा आम होता है। नंबर 2, एप्पल इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कि वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है, यानी कि ये एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है जो कि हर कोई खाता है। नंबर 3, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन आर रिच इन विटामिन सी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस।
सो किड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लेमन एक फ्रूट होता है। ऑरेंज और लेमन ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में खट्टे होते हैं। खट्टे होने की वजह से इनमें होता है विटामिन सी, और विटामिन सी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे हमारी आई साइट इंक्रीज होती है, हमारी स्किन अच्छी होती है और इससे हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं लगती। So kids, with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 1. So we will meet again in the new class with a new topic. Till then, bye-bye, take care.